हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम बनाएंगे पकौड़ियाँ। वैसे तो आपने पकौड़ियाँ कई बार ट्राई करी होंगी, बेसन की, सूजी की, पर आज हम बनाएंगे ब्रेड से। ये खाने में जितनी टेस्टी होती हैं, बनाने में उतनी ही आसान होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ब्रेड पकौड़ियाँ बनाने के लिए 5 से 6 मैंने ब्रेड स्लाइस ली है। इसको अब हमें ग्राइंडिंग जार में डाल करके इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अगर आपके पास पहले से ब्रेड क्रम्स बना हो तो आप उसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने पहले ब्रेड क्रम्स बना लिया है। अब इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल करके इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे और ना ही इसके पेस्ट को हमें ज़्यादा रनी करना है। तो 1/2 ग्लास पानी डालें और फिर इसको एक बार ग्राइंड कर लें। और ये देखिए, इस थिकनेस का रहना चाहिए पेस्ट। इससे ज़्यादा इसे रनी ना करें, नहीं तो पकौड़ियों में अच्छी बाइंडिंग नहीं आएगी। और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स है पहले से, तो आप उसमें 1/2 ग्लास पानी डाल करके सेम इसी तरीके से पेस्ट बना लें और फिर आगे की रेसिपी सेम फॉलो करें। तो इसको मैंने एक बोल में डाल दिया है। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे 1/3 कप चावल का आटा। आप इसमें सूजी भी डाल सकते हैं और चाहे तो बेसन भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाला है चावल का आटा। चावल का आटा डालने से पकौड़ियाँ ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप चावल का आटा डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई भी लम्स ना रहे, अच्छे से इसे मिक्स कर लें। मिक्स करते समय अगर आपको बैटर रनी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया एक बिग साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, 2 मीडियम साइज़ के आलू, इनको भी मैंने बारीक बारीक कट किया हुआ है, इसे भी डाल देंगे। इसमें सब्जी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, गाजर भी डाल सकते हैं। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है बारीक कटा हुआ, और फिर डाल दिया है 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच भुने जीरे का पाउडर और स्वाद के हिसाब से नमक। इन सभी चीज़ों को डाल करके मिक्स कर लेंगे। आप इसमें चाहे तो गरम मसाला, आमचूर पाउडर या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो मुझे याद आया मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है, तो इसमें मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल दिया। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे भी मिक्स करके अब मैंने कढ़ाई में अच्छा तेल गरम कर लिया है। जब भी आप इसमें पकौड़ियाँ डालें तो तेल अच्छा गरम होना चाहिए, तेल का टेम्परेचर बिल्कुल हाई होना चाहिए। फिर इसके बाद आप फ्लेम को मीडियम कर दें। तो यहाँ पर सारी पकौड़ियाँ मैंने कढ़ाई में डाल दी हैं और इन्हें एक साइड से अच्छे से फ्राई कर लिया है और फिर फ्लिप कर दिया है और मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया है और गोल्डन कलर आ गया है इन सभी में। अब इनको मैं निकाल लूँगी। ये खाने में बड़ी ही मज़ेदार होती हैं, क्रिस्पी होती हैं। आप इन्हें एक बार ज़रूर बना करके देखिएगा। जो आप बेसन की पकौड़ियाँ बनाते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट रहेंगी टेस्ट में। इन पकौड़ियों को आप ग्रीन चटनी या टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, खाने में बड़ी ही मज़ेदार लगती हैं। तो ये रेसिपी मस्ट ट्राई है, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।